प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे एल्किल हैलाइड के विरचन की विधि। विरचन मीन्स बनाने की विधि, कैसे एल्किल हैलाइड हम बनाते हैं। आपकी किताब में सबसे पहला जो दिया है, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से हम कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एल्कोहल को जो जनरली रूप से दिखाया जाता है आर ओ एच से दिखाया जाता है, यानी आर ओ एच को एल्कोहल कहते हैं। हम इसमें कुछ मुख्य मेथड के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है, एल्कोहल को अगर आप किसी भी एच एक्स से क्रिया करा दीजिए, एच एक्स मीन्स अम्ल, हाइड्रोजन वाले अम्ल से अगर आप क्रिया कराते हैं, तो हमेशा आपको एक उत्प्रेरक लेना होगा। जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में रिएक्शन होता है, और आप एल्कोहल को एच एक्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आप पाएंगे यहाँ से यह अम्ल से, यहाँ से एल्कोहल से OH निकलेगा और एक्स यहाँ से निकलेगा और बना लेगा एच और एच एच टू ओ बना लेगा। हम एच टू ओ को पहले इधर लिख देते हैं, एच टू ओ हो गया और हमारे पास बचा आर और एक्स, ये हो गया हमारा आर एक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आर एक्स को ही एल्किल हैलाइड, इसको एल्किल कहते हैं, इसको हैलाइड कहते हैं, एल्किल हैलाइड बन गया, या इसी को हैलो एल्किन कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया हो सी एच थ्री हो, ओ एच हो, यानी मेथेनॉल हो, और मेथेनॉल से आपको आर एक्स बनाना हो तो आप रिएक्शन कराएंगे, एच एच ले लेंगे, एक्स जगह पे सी एल ले लेंगे, रिएक्शन कराएंगे जेड एन सी एल टू के साथ, तो होगा क्या, यहाँ से ओ एच निकल जाएगा, एच निकल जाएगा और बना लेगा सी एच थ्री सी एल, और लिख देंगे आप सी एच थ्री सी एल प्लस एच एच दो हो गए, वो हो गया एच टू हो गया, ये हमारा एल्किल हैलाइड होगा, जिसे क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड कहते हैं। एक चीज समझ में आ गया आपको कि अगर आपको एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना हो तो आप एच एक्स से क्रिया करा देंगे तो एल्किल तैयार हो जाएगा। तो सबसे मुख्य चीज़ आप याद समझ लीजिए कि आपको ये पहला जो जनरल फार्मूला है इसको याद होना चाहिए। ये अगर याद होगा तो कोई भी एल्किल हैलाइड अगर आर ओ एच से बनाना है तो आप एच एक्स लेंगे, एच एक्स मीन्स एच सी एल लेंगे और रिएक्शन करा देंगे, एच बी आर भी लेकर के बना सकते हैं। हमेशा आपको मेथिल एथिल प्रोपिल क्लोराइड या ब्रोमाइड जो भी बनाना होगा आप बना सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगर इस पे क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन दे दिया हो सी टू, यानी क्वेश्चन दिया हो एथेनॉल से क्लोरो एथेन, यानी एथेनॉल से क्लोरो एथेन आपको बनाना है, तो एथेनॉल यानी एल्कोहल है आल आ गया, तो सबसे पहले आपको एथेनॉल का सूत्र पता होना चाहिए। तो सी टू एच फाइव ओ एच होता है, प्लस आपने पढ़ा है क्लोरो एथेन बनाना है, एल्कोहल मिल गया, ये अपने पास से ले लेंगे, एच ले लें हम, बी आर ले लें एच बी आर से रिएक्शन कराएंगे, जेड एन सी एल टू एरो पे लिख देंगे और आप पाएंगे यहाँ से ओ एच निकल जाएगा, यहाँ से एच निकल जाएगा और बनाएगा सी टू एच फाइव बी आर, क्लोरो है तो आप यहाँ पर सी एल लगा देंगे तो बनाएगा सी टू एच फाइव सी एल प्लस एच टू ओ, इससे एथेनॉल से हमारा क्लोरो एथेन बन जाएगा। तो आपको यह याद करना पड़ेगा कि कोई भी एल्कोहल होगा अगर एच एक्स से क्रिया कराते हैं जो जेड एन सी एल टू उत्प्रेरक लेना पड़ेगा और आर एक्स तैयार होगा प्लस एच टू ओ तैयार होगा।
अब बात करते हैं दूसरे एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। अगर आप एचएस नहीं है, एचएक्स आपके पास नहीं है, फिर वही एल्कोहल रहेगा और आपको सोडियम ब्रोमाइड लेना होगा और उसके साथ आपको H2SO4 लेना होगा। ध्यान रखिएगा एल्कोहल होगा, क्योंकि बार बार एल्कोहल से बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। एल्कोहल होगा, सोडियम ब्रोमाइड होगा, H2SO4 की उपस्थिति में आप रिएक्शन कराएंगे। हम इसको Br को चेंज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर X लिख दें, X भी लिख सकते हैं। होगा क्या, यहाँ से R निकल जाएगा, यहाँ से X निकल जाएगा और R X बना लिया। हमारा करना है RX बनाना ही। अब आगे देखेंगे, यहाँ से OH बचा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल गया, केवल एक हाइड्रोजन निकलेगा और OH यहाँ है, H बना लेगा, H2O बना लेगा। अब बचेगा, देख रहे हैं यहाँ पे सोडियम बचा है, हम सोडियम लिख दें, एक हाइड्रोजन बचा है H लिख दें, SO4 बचा है SO4 लिख दें। यानी कोई भी एल्कोहल होगा सोडियम हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तेजाब की उपस्थिति में, तो हमेशा एल्किल हैलाइड बनाएगा, जल बनाएगा और सोडियम बाई सल्फेट बनाएगा। हम इसको X पे चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने का समझाते हैं, अगर CH3OH है, अगर NaCl से क्रिया कराते हैं H2SO4 के उपस्थिति में, तो बनाएगा यहाँ से ये और यहाँ से Cl बनाएगा CH3Cl प्लस ये OH, यहाँ से एक हाइड्रोजन लीजिए, बना लिया H2O, यहाँ बचा सोडियम, लिख दिए Na, ये बचा H, SO4, ये बना दिया सोडियम बाई सल्फेट। इस तरह से एल्कोहल से आप RX या एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। आगे इसी को देखेंगे एक और स्टेप में, जनरल फार्मूला आप इसे नोट कर लेंगे, ROH है, NaX के साथ क्रिया कराए हैं, RX बनाता, H2O बनाता और NaHSO4 बना हुआ था। पुनः हम एल्कोहल ले लें और इसको रिएक्शन कराएंगे, इसके साथ अगर रिएक्शन कराते हैं NaX के साथ किसके उपस्थिति में, NaHSO4 के उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो फिर यहाँ से R निकलेगा, यहाँ से X निकल जाएगा, RX बना लेगा प्लस OH और यहाँ से H, H2O बना लेगा प्लस यहाँ से बचा Na, यहाँ Na, दो Na है, ये हो जाएगा Na2, SO4 हो जाएगा। लाइन खींच देंगे इससे या कैंसिल हो जाएगा और ROH लिख देंगे 2ROH प्लस NaX और NaX दो बार आया, लिख देंगे 2NaX, एरो लगाएंगे, RX और RX दो बार आया है, 2RX लिख देंगे प्लस H2O और H2O दो बार H2O आया है प्लस, ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास Na2SO4। इस तरह से ये इस विधि से भी बना सकते हैं या इस विधि से बना सकते हैं। हम आपको दो होमवर्क दे रहे हैं, CH3OH से CH3Br बनाना है और CH3 CH2OH से CH3 CH2 CH2 Cl, यानी यह आप जो अभी आपने पढ़ा है एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड बनाएंगे, तो आप लिख लें और आप बना करके हमें
हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। एक और चीज़ याद रखिएगा, एक और याद लिखिएगा, आगे इसको साफ करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है C3H7OH+NaCl+H2SO4, इसको आप पूरा करके यानी तीन क्वेश्चन आप लगा करके हमारे व्हाट्सएप पे सेंड करिएगा। आज के लिए बस एल्कोहल से दो मेथड के हम किसी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे पढ़े हैं, शेष और भी एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाते हैं, शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।